हेलो फ्रेंड, क्या आप भी अपने रियलमी स्मार्टफोन में लॉक लगाकर भूल गए हो? रियलमी का कोई भी मॉडल हो, चाहे रियलमी 5S हो या रियलमी 6 हो या रियलमी नार्जो हो या रियलमी नार्जो 20 प्रो हो, फ्रेंड अक्सर रियलमी का लॉक अगर आप लोग भूल जाते हो तो वो आपसे अनलॉक नहीं होता है, चाहे पिन लॉक हो या पैटर्न लॉक हो या पासवर्ड लॉक हो। फ्रेंड रियलमी का लॉक कैसे अनलॉक करते हैं सर्विस सेंटर वाले या रिपेयरिंग दुकानें वाले, आप सभी को पता नहीं होगा। शायद मैं इस वीडियो में आपको मैं बता दूं डिटेल से कि कैसे सर्विस सेंटर वाले अपने अपने मेथड से फोन का लॉक को अनलॉक कर लेते हैं। तो फ्रेंड आज आइए, घर बैठे आप सीखोगे कि कैसे रियलमी का स्मार्टफोन का लॉक अनलॉक किया जाता है। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना देर किए हुए मैं पहले वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। फ्रेंड पहले आपको चले आना है लॉक स्क्रीन पेज पे, यानी लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाने के बाद आपके फोन में पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी आपने लॉक लगाया वो आपसे अनलॉक नहीं हो रहा है। तो इसके नीचे जस्ट नीचे देखिएगा आप, तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग देख सकते हो इमरजेंसी कॉल के डायल पे, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे, इमरजेंसी कॉल ओनली का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद ऊपर से आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आप देख लीजिएगा एयरप्लेन मोड आपके फोन में होगा तो इसे आप ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑन रहेगा तभी आपका वर्क करेगा। अब बैटरी प्रतिशत भी आपको देखना होगा कि कितना परसेंट आपके फोन में बैटरी चार्ज है। तो फिर मेरे अभी फोन में आप लगभग 73% है, यानी 73% बैटरी है, आपका 50 से प्लस ही होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे आपको दो कोड में देता हूँ, क्योंकि इस सीजन का है 2023 जनवरी सीजन का कोड है, वो अक्सर हर सीजन चेंज होते रहता है, फरवरी में अलग आएगा, मार्च में भी अलग आ सकता है। तो यहाँ पे मैं पहला कोड यहाँ पे डायल करता हूँ अपने फोन में, सब लोग नोट कर लेना। स्टार है 0851258 00 स्टार 0 है। ये कोड को भाई बारीकी से ध्यान से, ये ध्यान पूर्वक से ये कोड आपने फोन में कॉपी कर लीजिए। एंड देन इसे डायल करने के बाद आपको यहाँ पे 3 times कॉल करना होगा, 1 2 3। एंड देन 3 times कॉल करने पे इसे, इस कोड को आप लोग रिमूव कर दीजिएगा, ये इरेज कर दीजिएगा या कट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकेंड कोड आपको अपने फोन में डायल करना होगा, *#A99। इस बार यहाँ पे हैज लगाओगे तो आप आओगे मोबाइल के सेटिंग इंजीनियर मोड के फाइल पे, इंजीनियर मोड के फाइल पे आपको चले आना है। इसके बाद मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक कर देने के बाद सेकेंड नंबर डिवाइस पे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपके फोन में कई तरह का सेंसर भी आ सकते हैं, 2 sensor होंगे, 3 sensor होंगे या 4 होंगे या 1 होंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दोनों में से, तीनों में से, चारों में से सब सेंसर को आपको स्टार्ट कर देना और देखना होगा कौन सा सेंसर आपका पास होता है। तो पहला वाला मेरा पास हो गया और सेकंड वाला मेरा फेल हो गया। तो कौन सा सेंसर पास हुआ फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पे जायरोस्कोप लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो ध्यान से जायरोस्कोप। इसके बाद इसे बैक कीजिएगा तो इसके नीचे आइएगा, जस्ट यहाँ पे जायरोस्कोप का आपका ऑप्शन मिल जाएगा, इसे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे जायरोस्कोप का पूरा ऑप्शन आपको टेस्ट करना है। पहला ग्राफ के क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी आपका एंगल है और बीच वाला लाइन जो क्रॉस हो रहा है ये आपका रनिंग करते रहना चाहिए। यदि आपका यहाँ पे रनिंग कर रहा है तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 to 5 seconds वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बैक कर लेना है, बैक करने के बाद जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इसे स्टार्ट करके बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद डाटा डिस्प्ले पे क्लिक और यहाँ पे आपका डाटा कैप्चर होगा, आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो डाटा है 30 लाइन तक कंप्लीट होगा या 30 से प्लस भी हो सकता है अगर कोई भी मॉडल आप यूज करते हो तो। तो मेरे फोन में अभी देख सकते हो 27, 28, देखिए 30 लाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसे बैक करके और सबसे लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यानी जायरोस्कोप नॉइज डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे जो भी सेंटेंस है चेंज होगा, यहाँ पे चेंज हो गया, इसे बैक करना है, फिर बैक करना है, फिर एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे आपको क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपका टेस्ट
सक्सेसफुल लिखाएगा, यानी कि आपका फोन का लॉक अनलॉक हो चुका है। इसे बैक कीजिएगा और सबसे लास्ट वाला पेज पे आओगे, यानी कि अदर्स नाम का पेज मिलेगा। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, रीडिंग रीसेट कंप्लीट इन डायरेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन यदि पास आ जाएगा तो मात्र आपको होम बटन को क्लिक करिएगा और आप अपने फोन को घर बैठे अनलॉक कर सकते हो बिना पैसा वेस्ट किए हुए और बिना डाटा को डिलीट किए हुए। ये वीडियो को देख के आपको जरा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा या आपका फोन लॉक से अनलॉक हो गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।